ये बेबीज निकलते रहते, आप इनको अलग कर लीजिए। ऊपर जम जाते काई वगैरह, ये बहुत यूजफुल होती है इनके लिए। उड़ के कहीं भी चले जाते हैं ना, तो वहाँ उस गमले में उग जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें पे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे चल रही है जयपुर सीरीज, मैं आया हूँ जयपुर कवर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेरेस गार्डन, और मुझे मौका मिला है के तलवार जी के पास आने का। तो हमारे चैनल बैक टू बैक वीडियोज आ रही है के तलवार जी के साथ। पहले आपने देख लिया है उनका बॉन्साई का कलेक्शन, एडेनियम का कलेक्शन, सकुलेंट का कलेक्शन, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वाटर प्लांट्स का कलेक्शन। फ्रेंड्स, तो इनके जितने भी वाटर प्लांट्स हैं हम उन पर बात करने वाले हैं, आप कैसे वाटर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं उन पर भी बात करने वाले हैं, क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है इसे ग्रो करने के लिए, और किन किन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं इसे ग्रो करने के लिए, उन सभी हम बात करेंगे। तो चैनल को आप ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, साथ ही बने बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही रोजाना नए नए टेरेस गार्डन में विजिट करता हूं और नए नए गार्डनर से आपको मिलवाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जरूर फॉलो करिए। जल्द ही इंस्टाग्राम पर सर के साथ मैं कुछ रील्स भी अपलोड कर रहा हूँ जो कि आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुछ वाटर प्लांट्स हैं जो कि हमने ये 5-7 टब बनाए हुए हैं, जस इसका अच्छा शौक है मुझे। अब जैसे ये जो है ये अम्ब्रेला पाम है, इसमें ये जो है इसको जो हम गमले में भी लगा सकते हैं और पानी में भी लगा सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होता है और अपने आप ही मल्टीप्लाई होता है ये। और ये जो है अगर बड़े साइज़ में हो जाते हैं तो थोड़ा सूख जाते हैं, उनको बिल्कुल आप काट दीजिए, ये फिर वापस ग्रो करते हैं फिर। और इनके अंदर डालने में ये है कि हमने गमला पानी में रखा हुआ है और थोड़ी सी मिट्टी नीचे डाली हुई है उसमें, और ये उगते रहते हैं ये। मतलब अब जैसे ये प्लांट है, ये फिस्टिया है, ये फ्लोटिंग प्लांट है ये। तो इसका क्या करते हैं कि इसको एक टब लिया, उसमें बिल्कुल हल्की सी मिट्टी डाल के उसमें पानी भर देते हैं और उसमें रख देते हैं। और ये 2-3 आप रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 6 महीने में ये पूरा टब भर जाएगा, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इनके इस तरीके से ये बेबीज निकलते रहते, आप इनको अलग कर लीजिए, ये इधर उग जाएगा, ये अलग कर दीजिए और इनको पानी में बस डाल दीजिए और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस तरीके से ये कर रखे हैं। ये भी जो है ये अम्ब्रेला पाम की ही वैरायटी है ये। इसको जो है जल खुम्बी भी कहते हैं। इसमें बाकी इनमें किसी में फ्लावर नहीं था, इसमें जो है ब्लू कलर का बहुत अच्छा फ्लावर आता है। ये पीला जो है ये इसके ऊपर जम जाते काई वगैरह, ये बहुत यूज़फुल होती है इनके लिए। ये वाटर लिलीज वगैरह कई वो फूलों के वो जो कमल जिसको कहते हैं वो तो कई कलर्स में आते हैं, और कम से कम और कुछ नहीं तो 50 उसके कलर्स हैं। तो उसके लिए तो फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट टब्स और जगह या टैंक चाहिए जिसमें कि आप बनाएं। वो भी जो है ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं ये। और वो जो वाटर प्लांट जो लिली जिसमें फूल वगैरह आते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं, 500 रुपये में भी आता है, 1000 रुपये में भी आता है, 2000 का भी आता है, डिपेंड करता है कलर टू कलर। तो ये मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। अब जिसको वाटर लिली का शौक़ होता है तो उन्होंने तो सब वैरायटीज रखी हुई होती हैं। ये सब वो अम्ब्रेला पाम ही हैं। और ये इसके जो हैं ये बीज हैं। अब ये अगर उड़ के कहीं भी चले जाते हैं ना, तो वहाँ उस गमले में उग जाते हैं। तो ये तो पूरे आपके गार्डन में ही उड़ने शुरू हो जाएंगे इसके, बहुत जल्दी फास्ट मल्टीप्लाई होता है। तो इनके बीज को अगर हम लगाते हैं तो नहीं लगता ही। इस तरीके से ये 3-4 वैरायटीज़ रखी हुई हैं मैंने। अंदर कुछ भी नहीं, थोड़ी सी तय में मिट्टी बिछा दी है, मिट्टी और थोड़ी सी खाद, और पानी भर दिया इसमें,
वो मिट्टी तो नीचे रह जाती है और ये ऊपर ये फ्लोट करते रहते हैं। हाँ, ये कैसे तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज की वीडियो में आपने के तलवार जी का वाटर प्लांट का कलेक्शन देख लिया है। जल्द ही मैं अगली वीडियो में भी के तलवार जी के साथ आने वाला हूँ, ऑर्नामेंटल प्लांट के साथ। जी हाँ दोस्तों, जो भी फ्रेंड्स ऑर्नामेंटल प्लांट लगाना चाहते हैं हम उन पर बात करेंगे। के तलवार जी अपना पूरा का पूरा आपको जो फ्रंट और बैक यार्ड है उसका टूर कराने वाले हैं, सारे के सारे प्लांट्स अपने दिखाने वाले हैं और काफ़ी मज़ा आएगा आपको देखने में, क्योंकि वहाँ पर सर ने काफ़ी कुछ किया हुआ है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से भी काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी हैं, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और किस तरह आप अपने घर में उन प्लांट्स को लगा सकते हैं हम उन पर भी बात करेंगे। बिगिनर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हम उन पर भी बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से के तलवार जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। घर बना था तो ये पाइप्स कुछ बच गई थी, इन पाइप्स को तलवार साहब ने होल्स करके इनके अंदर जेड प्लांट लगाए हैं। ये इसका एक फॉरेस्ट तैयार किया, तो इसमें जो है हम इनको ज़्यादा बढ़ने नहीं देते। एक्चुअली ये रूट सब ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर इसको निकाल के किसी पत्थर के ऊपर यूँ बिछा के और फिर लगाया जाए।